सोनपुर में धीरज अपनी माँ सुशीला के साथ रहता था। धीरज को प्रिया बहुत पसंद थी, पर धीरज की माँ नहीं चाहती थी कि धीरज प्रिया से शादी करे। पर धीरज प्रिया से लव मैरिज कर लेता है। प्रिया और धीरज की लव मैरिज हो जाती है। धीरज की माँ शादी को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। प्रिया शादी के बाद पहली बार नाश्ता बनाती है, तब सुशीला कहती है, ये क्या खाना बनाया है, खाने में तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। धीरज, अगर तुम मेरे कहने पर पिंकी से शादी कर लेते तो अन्नपूर्णा घर में आती, पर तुम्हें तो इस लड़की से ही शादी करनी थी जिसे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। अब तुम ही खाओ ये रूखा सूखा खाना, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है। मैं तो माँ को खुश करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, माँ को खाना पसंद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश कर लेना, चलो अब खाना खा लो। रात को प्रिया फिर से खाना बनाती है, इसी उम्मीद में कि शायद इस बार माँ जी को खाना पसंद आ जाए। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूँगी। इतना बकवास खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, ये रूखा सूखा खाना धीरज को ही खिलाओ। हाँ, सुशीला गुस्से में उठकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। खाना तो बर्बाद हो गया, सुबह किसी गरीब को दे आना। अगले दिन सुबह बहुत दुखी मन से प्रिया सारे बचे हुए खाने को लेकर बाहर गरीबों में देने जाती है। अरे माई, इधर देखो, हमको भी कुछ खाने को दे दो। आप लोगों के लिए ही तो लेकर आई हूँ, मेरे हाथ का खाना माँ जी को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहती खाना बर्बाद हो, इसीलिए अगर आप इसे खा ले तो मुझ पर एहसान होगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमेशा खुश रहो। अरे बेटी, तू उदास क्यों है? मैं बहुत मन से अपनी सास के लिए खाना बनाती हूँ, पर उन्हें मेरा बनाया खाना जरा भी पसंद नहीं आता। बस इतनी सी बात है, ये लो मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। सीमा अपने पास पड़ी एक गठरी में से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर, बेटी तुमने मुझ भिखारन को इतना अच्छा खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई गरम मसाला दे रही हूँ। तुम ये अपने पास रखो बेटी, जब भी खाना बनाओ तो ये जादुई गरम मसाला उसमें थोड़ा सा जरूर डालना। इसके पास खुद खाने का कोई जुगाड़ नहीं, फिर ये जादुई गरम मसाला कहाँ से लाई? छोड़ो, मुझे क्या, पर इनका मन रखने के लिए ले लेती हूँ। प्रिया घर पर आ जाती है और सीमा का दिया हुआ मसाला किचन में रख देती है। कुछ देर बाद धीरज किचन में जाता है और नाश्ता बनाने की कोशिश करता है। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम माँ से कहना कि खाना तुमने बनाया है। धीरज की नज़र उस मसाले की पुड़िया पर पड़ती है और वो उसे खाने में डाल देता है और खाना प्रिया को चखने के लिए कहता है। तभी प्रिया कहती है, तुम रेस्टोरेंट से खाना ले आए क्या? नहीं तो, खाना मैंने बनाया है। इतना टेस्टी खाना आपने बनाया? कैसे, कौन से मसाले डाले हैं? अरे वही जो किचन के अंदर पुड़िया में गरम मसाला रखा हुआ है, वही डाला। प्रिया अपनी सास को समझा बुझाकर खाने पर आने को कहती है। खाना चखते हुए सुशीला बोलती है, लो अब यही बाकी रह गया था कि तुम दोनों अब रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे हो। नहीं माँ, ये घर का बना हुआ खाना है, माँ जी आप चाहे तो किचन में जाकर देख सकती हैं। सुशीला उनकी बात पर यकीन कर लेती है और खाना खा लेती है। उसके बाद कहती है, आज तो तुम्हारे खाने ने मेरा दिल जीत लिया। आज मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा अन्नपूर्णा लेकर आया है। देखा बहू, सास की डांट का नतीजा, इतना अच्छा खाना तो हमारे घर में किसी ने नहीं बनाया। मानना पड़ेगा तेरे हाथों में जादू है, जादू। सुशीला बहुत खुश हो जाती है। मुझे तो लगा था उस गरीब औरत ने ऐसे ही कुछ दे दिया होगा, लेकिन ये तो सच में जादुई गरम मसाला है। अगले दिन प्रिया खाना बनाती है, खाना बनाते हुए वही जादुई गरम मसाला डाल देती है। तभी अगल बगल के लोग खाने की सुगंध लेते हुए प्रिया के घर पहुंच जाते हैं
पड़ोसन विमला वहाँ आ जाती है। हमें भी कुछ खिलाओ प्रिया, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खाने की सुगंध फैली हुई है। ऐसा कौन सा जादुई मसाला डालती हो खाने में जो इतना महक रहा है? प्रिया खुश हो जाती है और बिमला की बातें सुनकर वो बिमला को खाना खिला देती है। बिमला खाना खाते ही कहती है, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। फिर धीरज की मदद से प्रिया घर से टिफिन बनाकर डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। प्रिया मसाला कितना भी इस्तेमाल कर लेती पर मसाला उतना का उतना ही रहता। यही सोचते हुए वो मन में कहती है, ये तो जादुई गरम मसाले का कमाल है जो स्वाद भी देता है और खत्म भी नहीं होता। प्रिया टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर प्रिया का टिफिन का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। सुशीला बहुत खुश हो जाती है और दोनों सास बहू अच्छे से रहने लग जाते हैं। रोशनी अपने माँ पिता के साथ सोनपुर गांव में रहती थी। बचपन से ही रोशनी को जादुई दुनिया बहुत पसंद थी। वो बचपन से ही जादुई दुनिया देखना चाहती थी पर हमेशा घर वाले इसे उसका बचपना कहकर टाल देते थे। रोशनी अब पढ़ाई पूरी कर लाइब्रेरियन का जॉब करने लगी। एक दिन जब रोज की तरह रोशनी लाइब्रेरी में किताबें ठीक कर रही थी तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। मुझे ये बुक यहाँ पर सबमिट करनी है, मैं यहाँ से इस बुक को कुछ 2 हफ्ते पहले लेकर गई थी पर इस बुक की तो कोई रजिस्ट्री ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं देखती हूँ। नेहा वहाँ से चली जाती है और रोशनी उस बुक को उठाकर सेल्फ में रख देती है। रोशनी जैसे ही उस बुक को सेल्फ पर रखती है और पीछे मुड़ती है तभी अचानक से चमकदार रोशनी के साथ एक आवाज बाहर निकलती है। चमकदार रोशनी देखकर रोशनी पीछे मुड़ती है और उस किताब को बंद कर देती है। बड़ी अजीब किताब है, इसमें अजीब सी रोशनी कैसी थी? आज इसी बुक को लेकर जाती हूँ, ये किताब पहली और आखिरी किताब होगी इस लाइब्रेरी की जिसे मैंने नहीं पढ़ा। रोशनी उस किताब को अपने घर लेकर आ जाती है। रोज की तरह रोशनी अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाने बैठ जाती है। इतनी गर्मी है, क्या ही बनाऊं? काश हमारे पास भी एक कूलर होता तो मजा ही आ जाता। रसोई घर में काम कर कर के तो मैं गर्मी में पागल हो गई हूँ। अभी तो दुकान में इतनी अच्छी बिक्री नहीं हो रही है पर कोशिश करूँगा, रोशनी मन ही मन सोचती है। कई सालों से मैं कुछ ना कुछ पैसे तो जोड़ ही रही हूँ, आज सारे पैसों को इकट्ठा करती हूँ और माँ को कूलर के लिए सरप्राइज कर दूंगी। जब तीनों मिलकर ये बातचीत कर रहे होते हैं तब अचानक से हवा चलती है जिसके कारण किताब का एक पन्ना खुल जाता है। रोशनी अपने कमरे में आकर अपना गुल्लक निकालती है पर उसमें 3,000 ही होते हैं। लगता है हमारी किस्मत में एक कूलर भी नहीं है। रोशनी निराश हो जाती है। कुछ देर बाद रोशनी को अपनी लाइब्रेरी से लाए हुए बुक का ध्यान आता है। वो बुक को लेने बाहर हॉल में जाती है और क्या देखती है कि सामने कूलर पड़ा है। लगता है पापा मम्मी को सरप्राइज देने के लिए कूलर लाए होंगे। मम्मी मम्मी देखो, पापा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए पहले ही कूलर लेकर आ गए। जी आप भी ना, पहले ही बता देते। पर ये कूलर मैं तो नहीं लाया, जरूर रोशनी लाई है। आप दोनों में से जिसने भी कूलर लाया, खुशी की बात तो ये है कि हमारे घर में कूलर आ गया। हाँ रोशनी बहुत खुश हो जाती है और किताब को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। रात को रोशनी उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। मैं इच्छाधारी किताब हूँ, मैं उन लोगों के पास खुद ब खुद पहुँच जाती हूँ जिन्हें जादू पर विश्वास होता है। इस जादुई किताब के दूसरे पन्ने को खोलकर जो कोई कुछ भी मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। ये क्या मजाक है, मैं मानती हूँ जादू होता है पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो मुझे मिलेगा।
पर एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता सच में कुछ हो जाए। रोशनी किताब का दूसरा पन्ना खोलती है और बोलती है कि काश मेरे पास एक मेकअप किट होता। रोशनी की ये बात कहते ही मेकअप किट उसके सामने आ जाती है। मतलब पापा सच कह रहे थे, कूलर पापा नहीं लेकर आए थे, ये कूलर भी ये जादुई किताब की देन है। ये तो सच में जादुई किताब है, मतलब वो लड़की नेहा जो लाइब्रेरी में आई थी, और क्या वो कोई परी थी? मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि जादुई दुनिया होती है, लेकिन कभी किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। रोशनी पूरी किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर इस किताब को उल्टा पकड़कर कुछ मांगो तो आपकी मांगी हुई मन्नत उल्टी पड़ जाती है। रोशनी धीरे धीरे कर अपनी जरूरत की सारी चीजें जादुई किताब से मांगना शुरू कर देती है। एक दिन रोशनी की माँ और पापा उससे पूछते हैं, आजकल तू इतनी सारी चीजें कहाँ से लेकर आ रही है? रोशनी जादुई किताब के बारे में अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, तू इतनी बड़ी हो गई और आज भी तू इन जादू की चीजों को मानती है? विश्वास नहीं होता ना माँ, तो तुम भी इस किताब के दूसरे पन्ने को खोलकर अपने मन की इच्छा मांग लो। हे जादुई किताब, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। उनका छोटा सा घर बहुत बड़ा घर बन जाता है। ये देखकर प्रमोद का लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो हड़बड़ी में लीला के हाथों से किताब छीन लेता है जो कि उल्टी होती है। जादू किताब मेरे घर को सोने चांदी से भर दे। प्रमोद के ये बात कहते ही पूरे घर में अचानक से सांप बिच्छू दौड़ने लगते हैं, जिसे देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। पापा, आपने शायद कुछ ज्यादा ही लालच कर दिया, और इस किताब में आपने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आपने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है, इसी के कारण ये जादू उल्टा पड़ गया। रोशनी किताब को हाथ में लेकर वापस से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती है और सब ठीक हो जाता है। प्रमोद को सबक मिल जाता है और इसके बाद वो कभी भी लालच नहीं करता, और तीनों परिवार वाले जब भी जरूरत होती तब जादुई किताब से जरूरत के हिसाब से ही चीजें मांगते हैं।